राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास शिलान्यास समारोह हुआ आयोजित। 2,80,00,000 की लागत से बनेगा ये भवन। दान पुण्य करने से धन बढ़ता है, मुख्यमंत्री सलाहकार। एक विधायक संयम लोढ़ा ने यह बात अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आयोजित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। विभाग की ओर लॉ कॉलेज के पास बनने वाले इस भवन की भूमि पूजन कर शिलालेख पट्टी का अनावरण विधायक संयम लोढ़ा ने किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व जैन समाज के प्रमुख लोगों के अलावा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद जोशी व महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक राजेंद्र सांखला उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के चेयरमैन व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के पूर्व सदस्य सुनील सिंघी ने करी। इस अवसर पर राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव तस्लीमा, ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीणा बानू, प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के सदस्य इब्राहिम खान, बलवीर सिंह, साइमन सैमसन, गुरुद्वारा कमेटी शिवगंज रोशन सिंह, बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा रतन बाफना व सदस्य शशिकला मर्दिया, उपखंड अधिकारी सीमा खेतान सहित अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, मुस्लिम वक्फ कमेटी सिरोही शहर सदर अब्दुल रशीद कुरैशी, सिरोही जिला हज कमेटी संयोजक मकसूद अली विशिष्ट अतिथि के रूप में हाजिर रहे। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी रमेश चौधरी ने किया।